साउथएक्स में रफ्तार का कहर, दो बसों के बीच में फंसा स्कूटी सवार। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई, दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। दोनों बसों की रफ्तार बेहद तेज थी, एक स्कूटी सवार दोनों बसों के बीच में जा फंसा, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। साउथ दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन का मामला, जहां पर दो बसें जिनकी रफ्तार बेहद तेज बताई जा रही थी, एक स्कूटी सवार एक स्कूटी इन बसों के बीच में फंस गई। जतिन शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिन, कैसे यह हादसा हुआ? बिल्कुल, सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि साउथ एक्स की जो रोड है वहां पर एक सड़क हादसा हुआ। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि दो बसों के बीच में स्कूटी जो है वो फंस गई थी। बताया जा रहा है कि स्कूटी में दो युवक सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि दोनों बसों के बीच में स्कूटी कैसे फंसी, इसको लेकर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जो दोनों बसों के ड्राइवर हैं उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही जो एक युवक मरा है उसकी पहचान को लेकर अभी जांच की जा रही है, अभी कोई जानकारी इस मामले में सामने नहीं आई है। वहीं जो शख्स घायल है उसको नजदीक में जो एम्स ट्रॉमा सेंटर है वहां पे भर्ती किया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार का मामला सामने आता है कि स्कूटी जो है वो कट मार रही थी, दोनों बसों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम पहलुओं पर अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है।